पैरेट फिश का वीडियो है भाई, लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम के सामने। इसका मतलब ये नहीं कि प्लांटेड एक्वेरियम में डालो, नो 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 नो, पैरेट फिश प्लांटेड एक्वेरियम में नहीं जाता है। उसके लिए अलग सा टैंक बनाना पड़ता है, ब्यूटीफुल एनवायरमेंट देना पड़ता है। पूरा वीडियो देखो, बहुत मजेदार है। पैरेट फिश एक ऐसा फिश है, या हॉबीस्ट जो उसको रखते हैं बहुत प्यार करते हैं उससे, या हॉबीस्ट उसको नहीं रखते बिकॉज बहुत नफरत करते हैं उससे और लगता है कि बहुत ही अजीब फिश है। बट जिन लोगों को पैरेट फिश बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है एंड सुंदर लगता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके okay? तो यहां पे जब भी मैं पैरेट फिश बोलो ना, वो फ्रेश वाटर पैरेट फिश या ब्लड पैरेट जिसको बोलते हैं वो फिश है। मरीन वाला ग्रीन ब्यूटीफुल एक्चुअली असली तोते जैसा पैरेट फिश नहीं है। ओके, फ्रेश वाटर ब्लड पैरेट। ओके, याद रखना, पैरेट फिश 1980s में, 84 86 में मार्केट में आया, ताइवान से आया, ताइवान। एंड कहते हैं कि वो जो मिडास फिश या मिडास सिक्लिड एंड गोल्ड सेवरम का कॉम्बिनेशन है, बट सच किसी को मालूम नहीं है, बिकॉज जो असली ब्रीडर्स है वो अब तक किसी को ये नहीं बताया कि पेरेंट्स क्या है या कौन से स्पीशीज है। तो ये अमेरिकन सिक्लिड माना जाता है, एंड बिकॉज ऑफ जो जानकारी है थोड़ा बहुत, वो मिडास सिक्लिड एंड गोल्ड सिक्लिड का कॉम्बिनेशन में बना था करके, तो वो अमेरिकन माना जाता है। बट अगेन, असली पेरेंट्स पता नहीं। ठीक है, ज्यादातर पैरेट फिश आपको रेडिश कलर, ऑरेंजिश कलर एंड येलो कलर में ही मिलते हैं। ये असली जो ब्रीडर ने बनाया था ये कलर है, बट ये जो ब्लू पर्पल ये सब कलर्स इंजेक्टेड है। एंड मेरा मानना है कि ये फिश मत लो, बिकॉज ये बहुत ही इनह्यूमेन है, वो कलर इंजेक्ट करते हैं, इट्स नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। और ये टैटू वाले फिश के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है, एंड मेरे हिसाब से बेस्ट है असली रेड। कहा जाता है पैरेट फिश को बनाने का मेन इंटेंशन था कि वैलेंटाइंस डे में एक हार्ड शेप का फिश बने, ये इंटेंशन था ताइवान में। बट अगेन, वो भी थोड़ा इनह्यूमेन लगता है, बट हाँ, वो हार्ड शेप पैरेट मिलता भी है, अगेन नॉट नॉट गुड। ठीक है, बट फिर भी जिसको पसंद है पसंद है। ओके, पैरेट फिश में कुछ वैरायटीज और है, जैसे ये पोलर ब्लू बोलते हैं इसको, या येलो टाइगर, ऐसा ब्लैक मार्क्स होता है इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, येलो के ऊपर, एंड ऑफकोर्स अगर रेड के ऊपर ब्लैक मार्क्स ऐसा हो तो रेड टाइगर बुलाते हैं, एंड सबसे पॉपुलर किंग कॉन्ग। पैरेट फिश का शायद सबसे अट्रैक्टिव जो है ना, वो है उसका मुंह का शेप। वो एक ट्रायंगल शेप मुंह है, एंड यू नो, बहुत ही कॉमिकल क्यूट लगता है, तो उसका मेन अट्रैक्शन वही है। एंड इट्स राउंड, यू नो, वो गोल मटोल, यू नो, क्यूट सा चबी चीक्स टाइप पैरेट फिश। बट ये क्यूटनेस का भी ना वो एक दाम होता है ना, हर अच्छे चीज का कोई यू नो थोड़ा बहुत बुराई होता है। तो पैरेट फिश एक्चुअली अपना मुंह क्लोज नहीं कर पाता, तो खाने में मुश्किल होता है, एंड बिकॉज ये नहीं होता है, दैट इज क्लोजिंग द माउथ, वो गले में उसको खाने को क्रश करता है, थोड़ा तकलीफ होता है, एंड ये एक्चुअली डिफॉर्मिटी है। बट ठीक है, क्यूट लगता है ना, नो प्रॉब्लम, एंड नॉट अ वेरी बिग इश्यू। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा खाना कैसे आप खिलाओगे तो पैरेट फिश के लिए इजी होगा करके। पैरेट फिश क्यूट तो है ही, दूसरी बात क्या है ना, पैरेट फिश में एक बहुत ही यू नो एक अट्रैक्टिव पॉइंट समझो कि वो ओनर को पहचानता है। आप जब काफी देर के बाद आओगे तो बहुत यू नो एक्साइट हो जाएगा, खाना खिलाओगे, खेल सकता है आपके साथ बहुत, एंड नॉट एन अग्रेसिव फिश। अगर आप दूसरे सिक्लिड्स के साथ रखोगे तो गुल मिलके रहेगा, टाइम पास करेगा, मट्टी खोदेगा, यू नो, बट हाँ, थोड़ा बहुत अगर वो कॉर्नर हो जाता है या
बहुत सारे फिश उसको अटैक करने लगते हैं तो अग्रेसिव बनता है, एंड बिकॉज वो साइज भी है, यू नो 7-8 इंच तक बढ़ सकता है एक पैरेट फिश, तो साइज है, तो वो बुली करता भी है कभी कभी, बट अगेन उसका जो मुंह का डिफॉर्मिटी है उसके वजह से वो किसी को काट नहीं सकता है, तकलीफ नहीं दे सकता है, तो जनरली वो एक कम्युनिटी में रह सकता है, बट सी क्या होता है बिकॉज वो नॉन अग्रेसिव है, आप अगर थोड़ा और अग्रेसिव स्पीशीज के साथ डाल दे तो उसको खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिमिलर या उसके छोटे साइज के सिकलेट्स, ठीक है, जो कम अग्रेसिव हो या इजी गोइंग फिश, आप कोई भी रख सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड फिश के साथ रखो, नहीं, ठीक है। नाउ ब्लड रेड पैरेट और टैंक मेट्स का एक पॉइंट है, मेरा मानना है कि अगर आप ब्लड रेड पैरेट रख रहे हो या ब्लड पैरेट रख रहे हो या पैरेट फिश रख रहे हो तो सिर्फ पैरेट फिश रखो, एक 15-20 रखो, बड़ा टैंक होगा, अच्छा दिखेंगे, बहुत ब्यूटिफुली मूव करेंगे, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप मिक्स करोगे तो इश्यू स्टार्ट होगा, एंड यू नो कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होगा, झगड़ा स्टार्ट होगा, पैरेट को लगेगा, ये सब वीडियोस मैंने बनाया है, व्हाई फिश फाइट, कंपैटिबिलिटी वगैरह वगैरह, आप देख सकते हो और इसका इंफॉर्मेशन जान सकते हो, बट ब्लड पैरेट्स को ब्लड पैरेट्स के साथ ही रखना बेटर है। नाउ पैरेट फिश जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा फिश है, वेरी गुड फिश, बिकॉज आप छोटा ला सकते हो, फटाफट बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी डिसेंट सा खाना खाएगा, खाने का बता रहा हूं, वेट करो आखिर तक देखो, एंड वो क्या है ना, वाटर पैरामीटर्स आपका अगर पीएच 6.5 से 7.5 तक है तो भी चलेगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका 28 तक है, 24-28 मैनेज हो जाएगा, तो मतलब पैरामीटर्स एडजस्ट करेगा, आपका वाटर के हिसाब से एडजस्ट करेगा। बिगिनर्स जो सीखना चाहते हैं, पैरेट फिश इज अ गुड फिश टू कीप, एक्चुअली सीक्रेट बताओ, गोल्ड फिश से बेटर पैरेट फिश है, गोल्ड फिश यू नो पेचीदा एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज लॉट ऑफ डिजीज वगैरह सब गोल्ड फिश में आता है, पैरेट फिश में उतना नहीं, डिजीज आता है, बोलूंगा उसके बारे में, सुनते रहो। अभी बिगिनर के तौर पर अगर आप पैरेट फिश घर में लेके आ रहे हो तो याद से एक हीटर जरूर लेके आना उसके साथ, बिकॉज अगर आप सर्दी या कोल्ड क्लाइमेट एरियाज में रहते हो, हिल स्टेशन वगैरह में, पैरेट फिश अच्छा फिश है लेकिन उसको हीटर लगेगा, टेम्परेचर 28 जरूरी है। नाउ बिगिनर्स के लिए इजी का मतलब ये नहीं कि आप एक छोटे से टैंक में, छोटे से बोल में एक पैरेट लेके आओ, नो दैट्स अ मिस्टेक, वेरी बैड दैट इज, ओके, डिसेंट साइज टैंक लेके आओ। अगर आप एक 2 फीट टैंक लेके आते हो तो दो पैरेट स्मॉल साइज का, मतलब एक 2 इंच का पैरेट रख सकते हो, वो बढ़ने वाले हैं, वो बढ़ेंगे तो टैंक बड़ा चाहिए। अच्छा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में अच्छा मीडिया, बिकॉज पैरेट फिश भी खाएंगे और ज्यादा कचरा करेंगे, अगर कचरा ज्यादा हुआ तो नाइट्रेट बिल्डअप होगा, नाइट्रेट बिल्डअप होगा, अमोनिया बनेगा, अगेन पैरेट फिश को तकलीफ। दूसरा, टैंक में ब्लू ग्रीन एल्गे बन सकता है, ओके, कचरे के वजह से, एंड वो अगेन फिश को मार सकता है। तो ये याद रखो, फिश जितना बड़ा होता है उसके हिसाब से टैंक लेके आओ, ऐसा नहीं कि फिश छोटा है तो अभी छोटा टैंक, नहीं, फिश जो बढ़ेगा बढ़ने के हिसाब से टैंक लाना चाहिए। पैरेट फिश ना 15-18 साल तक जी सकते हैं, आपका पैरेट फिश कितना साल जी चुका है सोचो, एंड जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है 10 इंच तक बढ़ सकता है, अगर कंडीशन अच्छा है, खाना अच्छा है, एंड एनवायरमेंट अच्छा है। तो पैरेट फिश के लिए खाना क्या दे, एक्चुअली पैरेट फिश को पैलेट्स छोटा होना चाहिए ताकि उनके मुंह में फिट कर सके। नाउ पैरेट फिश का खाना खाना एक यू नो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने जैसे, ठीक है, लिटरली, बिकॉज वो मुंह बंद नहीं होता है, तो खाने के पीछे पीछे जाके वो करके वो खाने को उसके पास जाके लेता है, बिकॉज वो बंद नहीं होता है, ठीक है, तो एक्चुअली बास्केटबॉल को बास्केट में डालने जैसा होता है, वो एम चाहिए तो वो एम करता है, अगर आपने वर्म्स वगैरह खिलाया तो वो अलाइन करता है अपने आप को वर्म के हिसाब से और फिर लेता है, और इसलिए पैलेट थोड़ा छोटा रखे, उसके मुंह से बड़ा नहीं, बिकॉज उन्हें जाएगा नहीं अंदर, मुंह से छोटा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से पैलेट लें। काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है, हिकारी का ब्लड पैरेट वेरी गुड फूड, ट्रॉपिकल का फूड है सिकलिड के लिए, प्लस दूसरे भी ब्रांड्स हैं विच इज क्वाइट गुड और आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
पैरेट फिश को अगर फूड सिंकिंग भी है तो अच्छा है, बिकॉज देन वो नीचे जाके बैठता है फूड और वो जाके इजिली उठा सकता है। अगेन मुंह डिफॉर्म है, उठाना मुश्किल, तो वो जाके उसको सक कर लेगा। अगर वो फ्लोटिंग है तो अपने आप उसके उसके पीछे घूमना पड़ेगा, थोड़ा सर्कस हो जाता है। तो देख के खाना अच्छा वाला डालो। अभी आप थोड़ा बहुत मैश्ड पीस, ब्राइन श्रिम्प, ब्लड वर्म, ये सब भी खिला सकते हो पैरेट फिश को, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगेन बिकॉज अगेन मैन मेड फिश है, हाइब्रिड फिश है, तो यू नो इजियर टू वर्क विद पैलेट, बिकॉज बचपन से उसको पैलेट में ही ग्रो करते हैं। इट्स एन इजी वे टू अंडरस्टैंड। नाउ पैरेट फिश के लिए जो टैंक का एनवायरमेंट है वो सिक्लिड फिश के साथ मैच करता है, बिकॉज आखिरकार सिक्लिड ही है, तो हाइडिंग स्पेसेस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वो वुड या स्टोन आप यूज कर सकते हो ताकि वो अंदर जाके छुप सके, बैठ सके, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सेफ्टी लगता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। नाउ अगर आप पैरेट फिश को प्लांटेड टैंक में रखें तो प्रॉब्लम ये होगा, हर सिक्लिड की तरह उनको खोदने का आदत है, तो मट्टी खोदेंगे, प्लांट्स को अपरूट करेंगे, पूरा सत्यानाश कर देंगे। उनके लिए सैंड, स्टोन या वुड बेस्ट। हाँ, अगर आप ज्यादा फिश रख रहे हो, बेयर बॉटम रखना चाहते हो, और भी बेटर। नाउ पैरेट फिश भी दूसरे फिश की तरह अगर स्ट्रेस हो जाए तो कलर निकल जाता, रेड कलर फिश व्हाइटिश हो जाता, दैट मींस फिश स्ट्रेस्ड आउट है एंड प्रॉब्लम है। पैरेट फिश में स्ट्रेस आते ही व्हाइट स्पॉट्स एंड स्विम ब्लैडर डिजीज बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। अगेन व्हाइट स्पॉट्स के लिए मेडिसिन वगैरह है, आप हमारा मेडिसिन वाला वीडियो देख लो, स्विम ब्लैडर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। नाउ जब पैरेट फिश मार्केट में आया ये था कि वो इनफर्टाइल है, मतलब बच्चे नहीं होंगे, बट हॉबीज रखते रखते ये पता चला कि वो अंडा देते हैं, अंडा फर्टिलाइज भी करते हैं एंड अंडा बच्चे भी बनते हैं, तो वो एक मिथ समझो, इनिशियली कोई मिसकंसेप्शन था। एंड पैरेट फिश में मेल्स और फीमेल्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दिखते हैं, मेल थोड़ा बड़ा होता है फीमेल से, बट कलरेशन वगैरह, पैटर्न वगैरह सेम दिखते हैं ज्यादा। इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक आउट कि ये मेल कौन सा, फीमेल कौन सा। ये अगर आप एक्सपर्ट्स या ब्रीडर से पूछेंगे तो वो बताएंगे। अभी जैसे यहाँ पे पॉइंट्स है, उसका डॉर्सल फिन, एनल फिन, बॉडी शेप, बिहेवियर, हेड शेप, कलर एंड वेंट शेप देख के थोड़ा डिफरेंशिएशन हो सकता है, बट ये रेगुलरली ब्रीड करने वाले समझते हैं, बिगिनर्स नहीं समझेंगे। नो, पैरेट फिश में पैरेट फिश ही हाइब्रिड है, उसके अलावा एक किंग कॉन्ग पैरेट करके उन्होंने अगेन हाइब्रिडाइज किया, थोड़ा बहुत करेक्शन करके। ना उसमें वो थोड़ा बहुत फ्लारॉन जैसा दिखता है, लेकिन उसका मुंह फंक्शनल है, रेगुलर पैरेट जैसा डिफॉर्म नहीं है, उसका मुंह ज्यादा फंक्शनल है, इजिली खा सकता है, थोड़ा बड़ा होता है और डार्क रेड या डार्क येलो वो कलर्स में मिलते भी हैं। आजकल बहुत पैटर्न्स भी मिलने लगे हैं पैरेट फिश में, वो काम्फा फ्लारॉन ये कॉम्बिनेशंस में, यू नो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो, अगर आपको मिलता है आप रख भी सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग वेराइटीज है। पैरेट फिश ज्यादातर टैंक के मिड लेवल या बॉटम लेवल में स्विम करते हैं, ज्यादा ऊपर आते नहीं है, अगर ऊपर आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ पैरेट फिश भी सेंसिटिव फिश है, हाँ मैंने बोला था कि थोड़ा हार्डी है बट सेंसिटिव है, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि आप जो मर्जी करो और वो टिक जाएगा, नहीं, यू हैव टू हैव द राइट सिस्टम एंड वो बीमार पड़ सकता है, ठीक है। नाउ कलर वॉच करो, अगर कलर फेड हो रहा है तो वो फर्स्ट साइन है फिश का स्ट्रेस का, ठीक है। कलर डाउन हो रहा है तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड अगर आपका वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं और फिश मर भी जा सकते हैं। तो आपको जरूरी है कि आप पैरेट फिश लाने से पहले टैंक को अच्छे से साइकिल करें, ठीक है। एक फिश के हिसाब से टैंक लेके आए, अच्छा सा फिल्टर, फिल्टर में अच्छा क्वालिटी का बायोमीडिया, हमारा एपीआई का बायोमीडिया है, आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड गुड बैक्टीरिया, गुड सिस्टम क्रिएट करो, थोड़ा हाइडिंग स्पेसेस क्रिएट करो। हाँ, एक छोटा वो मिट्टी का मटका भी अच्छा है उसको हाइडिंग स्पेस के लिए, दो तीन मटके रख दो, जाके अंदर बैठेंगे, बहुत खुश रहेंगे, अच्छा रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, मजेदार रहेंगे। तो आज हमने पैरेट फिश का बात किया जो पैरेट जैसा नहीं दिखता है, ठीक है, और मरीन पैरेट भी नहीं है, फ्रेश वाटर पैरेट फिश, ब्लड पैरेट या किंग कॉन्ग पैरेट। मैं आशा करता हूं ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपके
काम आए एंड आपको बहुत यूजफुल लगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, कट टू कट है, एंड आपको एक पैरेट फिश घर में लाके रखने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये वीडियो में है, तो आपने कुछ तो सीखा है ना। ओके, सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। आज हमने पैरेट फिश के बारे में बात किया है, बहुत जल्दी और भी फिश के वीडियोस आ रहे हैं, एंड मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेड एक्वेरियम करता हूं। सच बात है। ओके, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत फिश ओनली एक्वेरियम्स में एक्वास्केप करके उसका नेचुरल बायोटोप कैसा होता है वो दिखाने का कोशिश होगा बहुत जल्दी। वीडियोस बनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।